इस वीडियो में आप देखेंगे जैन एस्टिलो के लिए एक प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट और इसकी प्रॉपर ट्रे, इनकी पूरी डिटेल, ये कैसे लगते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, कैसे काम करेंगे, आप इनको कैसे लगा सकते हो, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ये है जैन एस्टिलो की प्रॉपर ट्रे, जैसा कि नाम से ही पता चलती है, बाहर जो होती है वो वुडन ट्रे मिलती है, कंपनी वाली जैसी नहीं होती है जैसी कंपनी में आजकल आती हैं। ये MDF बोर्ड की ट्रे बनी हुई है पूरी की पूरी और बिल्कुल प्रॉपर है। इसमें स्पीकर वगैरह की जगह नहीं बनाई है, एज पर कस्टमर चॉइस आप चाहें तो इसमें स्पीकर की जगह बनवा सकते हैं। ऊपर ये जो है इसमें कारपेट लगा होता है बेज कलर का, क्योंकि इंटीरियर इसका बेज है, बाकी इसमें आप ब्लैक कलर भी बनवा सकते हैं। फिटिंग के लिए अंदर ये एंगल जो है ये फिट करने पड़ते हैं, नॉर्मल जो चाइना के स्क्रू आते हैं पतले वाले जो होते हैं उनको आप पेचकस से इसके ऊपर फिक्स कर देना है और वो बड़े आसानी से हाथ से आप खुद भी लगा सकते हो और ट्रे को उसके ऊपर रख देना है। बस इतना सा काम है लगाने के लिए, आपको 4-5 इसमें चाइना स्क्रू ज़रूर लगाने पड़ेंगे। और जैसे ही आप सीट को आगे करेंगे ये सीट के और पीछे जो डिक्की का पिछला हिस्सा है उसके बीच में फंस जाएगी। नीचे से आप देख सकते हैं एंगल के ऊपर रखी है और नीचे की साइड से इसमें 2 स्क्रू और लगा देंगे ताकि ये हिले ना, जो अभी आप हिलता हुआ देख रहे थे। अब ये लग गए हैं और ये नीचे से आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का जो स्क्रू है वो हमने लगा दिया है, जिसकी वजह से ट्रे फिक्स हो गई है, अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। आर्मरेस्ट भी अभी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। और ये ट्रे आपकी लग गई है और बस इधर से ये डिक्की के बीच में फंस जाएगी तो ये हिलेगी भी नहीं बिल्कुल भी। अंदर की तरफ से देखते हैं एक बार, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर बनती है। हर गाड़ी हर मॉडल के हिसाब से, हर गाड़ी की मिल सकती है हर मॉडल की मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल अलग होगी, डिज़ाइन भी अलग होगा, लुक भी अलग होगा। और ये है इसका प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट, सामने से आप देख सकते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह यूज़ करना सिंपल है, अंदर ये स्पेस होता है सामान वगैरह कुछ रखने के लिए। लुक आप देख सकते हैं कुछ अच्छा आता है काफ़ी, और इन गाड़ियों के लिए ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं होते थे। और प्रॉपर है बिल्कुल फिटिंग, कोई इसमें स्क्रू वगैरह नट वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको आपको सेंटर कंसोल के ऊपर रखना है। जैसे आप इसको सेंटर कंसोल पे रखोगे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। हैंड ब्रेक वगैरह यूज़ करना सिंपल है, हाँ 1-2 दिन आपको ज़रूर अड़ेगा ये जब भी आप लगाओगे, क्योंकि आधा हैंड ब्रेक जो है वो ये कवर कर लेता है। लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है ट्रे की वजह से भी और इसकी वजह से भी। ट्रे जो पीछे का सामान वन आपकी डिक्की में अगर पड़ा हो तो ये उसको नहीं दिखता है बाहर की साइड से, और आर्मरेस्ट का तो अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा होती है तो बेनिफिट है ही है। बाकी वीडियो कैसी लगी या इनके बारे में और कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के अंदर। जय हिंद।